बढ़ते जाओ। बज गया है देखो 5:15 बज रहा है, हम लोग फुल फ्लैश में चल रहे हैं, देखते हैं कितनी दिल्ली पहुँचते हैं। हनुमान दरबार सजाया है। ये रहा श्री वैष्णो माता श्राइन बोर्ड का ऑफिस भाई, और सामने देखो सीढ़ियां जा रही माँ के भवन, दिख रही भाई पहली हेलीकॉप्टर यात्रा जिंदगी की हमारी। तो भाई जय माता की, मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू ही नहीं हुई, तो हमने भी हेलीकॉप्टर से कहा भाई जी हम बैठ गए घोड़े पे, हेलीकॉप्टर मेरे इधर देखो, मसाज पार्लर की साफ है भाई, पूछ देखिए पूछ एक्सीलरेटर होता घोड़ों का। बोलो ये नहीं, बोलो नहीं है बटे वाले जोड़ नहीं देता, घोड़ा जो चाहता हमारे वाले तो पाउ तुम ले लोगे तो हम भाई ले लेंगे। अरे जय माता की, अरे ताजी काशी, अरे बैठ बेबी कूदना नहीं है इधर चलो। और देखो भाई जुआनी स्पेशल यात्रा की पवित्रता बनाए रखते हैं, तो मार्ग में ताश ना खेले। तो भाई पैदल यात्रा शुरू अर्धकुमारी की, उसने जितना दर्द सहा उसने उतना फल पाया है। तो भाई सामने शायद आ गया अर्धकुमारी भवन, आधा रास्ता आ गया ऐसा लगता है, चलो पीते हम सब आगे चलते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। तो भाई आ गए हम सब देखो अर्धकुमारी में, हे पर्वतराज बढ़ा लो अपनी ऊंचाई जितनी बढ़ा पाओ, देखते मेरा हौसला ज्यादा ऊंचा है कि तुम्हारी ऊंचाई ज्यादा ऊंची है। सुबह ही गुड मॉर्निंग गाइस, देखो आंखों में नींद दिख रही होगी, और बज रहा है सुबह का 4:43 हमारा कोशिश थी कि हम उठ जाएंगे जो है सुबह 4:15 तक निकल जाएंगे, लेकिन हम करीब आधा घंटे लेट है, चलो लेट है तो कोई बात नहीं, लेट बट नेवर बियॉन्ड द साइड, तो हमेशा टाइम से पहुंचेंगे और निकल रहे चेकआउट करने अपने होटल को, चलते हैं माँ वैष्णो देवी के दरबार और कराते हैं आपको दर्शन, बने रहो ब्लॉग पे देख। जम्मू जू आ गया भाई, जम्मू जू के पीछे बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, जय माता की जय माता दी। भाई देखो कैसे पहाड़ काट काट के रोडे 4 लेन बनाई गई है, और मोदी जी के राज में देश को जो सबसे बड़ी सौगात मिली है A1 क्लास की सड़कें, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में हम इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पा रहे हैं कि जैसे कई लोग अगर 8-10 साल भारत आ रहे हो बाद में और उन्हें ना पता हो तो ये कहेंगी कि हम किसी फॉरेन में आ गए, तो जैसा कि अभी सचिन कह रहे थे कि हम कहीं फॉरेन में आ गए ऐसा लग रहा है, तो यस वी आर अचीविंग दैट हाइट्स। तो भाई हैट्स ऑफ मोदी जी, नितिन गडकरी जी और पूरी टीम को, हर लेबर को, हर श्रमिक को, इस कार्य से जुड़े हुए हर व्यक्ति को, आप सबने यात्रा को बहुत आसान किया, जय माता की। यकीन करोगे पहाड़ों पे रोड्स मिलने, भाई इतनी चौड़ी रोड्स तो हमको अपने मैदानी क्षेत्रों में नहीं मिलती, और आगे आगे टोल प्लाजा, खैर ऐसी जगह पे टोल देने में अच्छा भी लगता है, तो कैसे पहाड़ों को काट के रास्ते निकाले गए हैं, तो मनुष्य में वो पुरुषार्थ है कि पहाड़ों का भी सीना चीर दे, और फिर माता रानी के भक्तों के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। जय माता की। आ गया टोल प्लाजा भाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, ऐसी चीजें देख के दिल प्रसन्न हो जाता है, छोटी सी है। सुबाई ये देखो बेहतरीन सी टनल आ गई रास्ते में, और बिल्कुल बज गया है देखो 5:15 बज रहा है, हम लोग फुल फ्लैश में चल रहे हैं, देखते कितनी दिल्ली पहुंचते हैं, और इन टनल्स ने इन हाईवेज ने इतनी रास्ता को आसान कर दिया, पहाड़ी की रास्ताओं को क्या ही कहा जाए, हैट्स ऑफ टू एवरीवन एफिलिएटेड विद दिस वर्क। इतनी सुंदरता तो मैंने अपने शहरों में नहीं देखी जितनी सुंदरता इन पहाड़ों में, yes. इन रोडों की। अगली टनल शुरू भाई, दे टनल आपकी थकान को कम कर देती हैं, वाकई सभी को नमन, बार बार नमन। ये देखिए सारे पहाड़ों को चीरा गया है, नहीं तो कितना चक्कर काटना पड़ता है इन पहाड़ों से उस पार जाने के लिए, हम लोग तो जानते हैं, हम लोगों ने पहले भी पहाड़ों की यात्रा की है। भाई आ गया कटरा, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। वाह, तो भाई सभी साथियों को गुड मॉर्निंग सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है,
ऊंचे पर्वत पैरानी माँ ने दरबार सजाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। कहाँ चली कंपनी? माँ के दरबार। तो भाई चल दिए सुबह सुबह हम लोग माँ वैष्णो देवी के दरबार, माता रानी के दर्शन करने, और कराते हैं आपको दर्शन जहाँ तक संभव है। कैमरा ले जाना, बने रहो भाई। तो भाई 115 रुपए का टैक्स यहाँ पे जो ग्रीन टैक्स पड़ता है और एंट्री टैक्स, उसको देते हुए आगे बढ़े हम लोग। और मात्र 3 किलोमीटर यहाँ से निहारिका कॉम्प्लेक्स बचा, जहाँ से यात्रा की सारी आपको सुविधाएं पर्ची आदि की बुकिंग आदि की मिलती हैं। तो निहारिका कॉम्प्लेक्स पहुँचते हैं। वैसे हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग कर ली थी पर्ची की भी, आरएफ नंबर उससे भी डायरेक्ट मिल सकता, समझ लेते क्या हेलीकॉप्टर बुकिंग भी निहारिका कॉम्प्लेक्स से होती है। जाते समय अगर हेलीकॉप्टर मिल जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि जाते समय का हेलीकॉप्टर हमें नहीं मिल पाया था, नहीं अवेलेबल था ऑनलाइन। वापसी का तो हेलीकॉप्टर हमें मिल गया था। तो देखते हैं क्या सीन होता, जो भी होता है जय माता की, माँ के हवाले है, सब कुछ माँ के हवाले है। बने रहो, देखते रहो इस ब्यूटीफुल माँ वैष्णो देवी के डिटेल ब्लॉग को। इतना डिटेल आपको माँ वैष्णो देवी का ब्लॉग किसी ने नहीं दिखाया होगा जो हम दिखाने जा रहे हैं। जय माता की। आपकी यात्रा हमेशा के लिए बहुत आसान हो जाएगी अगर न्यू कमर्स हो, पहली बार आ रहे हो माता रानी के दर्शन करने। तो हम वो सारा कुछ आपको बताने वाले हैं जो एक नए यात्रा करने वाले को पता होना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि हम खुद नए हैं, पहली बार यात्रा कर रहे हैं। मेरे साथ के तो एक दो यात्री कर चुके हैं। तो चलो बने रहो, जय माता की, देखते रहो, देखते रहो। ये रहा श्री वैष्णो माता श्राइन बोर्ड का ऑफिस भाई, और सामने देखो सीढ़ियां जा रही माँ के भवन, दिख रही भाई। जय माता की। भक्तों से गुलजार भरा हुआ मार्ग, भक्तों की भीड़ से। और सुबह बजा है मात्र अभी 5:47 तभी आलम में टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस बाहर का भाई। हम लोग पहुंचने वाले बिल्कुल निहारिका कॉम्प्लेक्स, जस्ट 100 मीटर अवे फ्रॉम द निहारिका कॉम्प्लेक्स, और वहीं से सारा कुछ शुरू करते हैं। ये देखो यात्रा भाई जी, ये पूरा यात्रा रूट है, और दिस इज द निहारिका कॉम्प्लेक्स। तो फ्रेंड्स ये रहा निहारिका कॉम्प्लेक्स, ऐसे आप घूमोगे और ये निहारिका कॉम्प्लेक्स आपको बिल्डिंग पड़ जाएगी सामने। नेविगेशन से आओगे तो आपको इसके अपोजिट साइड में रोक देगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो निहारिका कॉम्प्लेक्स कहाँ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये सारा देखो निहारिका कॉम्प्लेक्स की फैसिलिटीज यहाँ पे मेंशन है, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है सारा कुछ देखो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। सिक्योरिटी चेक पोस्ट, और ये देखिए बना है इंक्वायरी रजिस्ट्रेशन का ऑफिस यहाँ पे, अन्नपूर्णा भोजनालय भी है। तो आप सारा कुछ यात्रा से जुड़ा इंक्वायरी रजिस्ट्रेशन यहाँ करा सकते हो, अपना रिजर्वेशन करा सकते हो। तो ये है निहारिका कॉम्प्लेक्स का इनसाइड एरिया। और ये देखिए माता रानी का पूरा मैप बना हुआ है, कैसे चढ़ना है, कैसे पहुँचना है। और ये देखो माता जी के नाम से सारी कितनी यहाँ पे फरियादें, कितनी मुरादें, कितनी प्रार्थनाएं, कितनी मान्यताएं, कितनी मन्नतें बंधी हुई हैं। और चलते हैं भाई पैदल यात्रियों का टोली जाती हुई। हम बस पहुंचने वाले हैं माँ वैष्णो देवी द्वार पे, और वहां से शुरू होगी चढ़ाई। देखिए यात्रियों का पूरा रेला जत्था जाता हुआ, और सब उत्साह से लबरेज हैं। सुबह सुबह हम नीचे ढलान पे जाएंगे, और ढलान पे होगी गाड़ी का स्टैंड, वहाँ गाड़ी पार्क करेंगे और चलेंगे यात्रा पे। जय माता की। इधर देखो भाई सब यात्रा के लिए डंडे भी मिल रहे हैं, सब चुनरियाँ सारा कुछ सारी व्यवस्था है। सुबह ही सामने आ गया माता रानी का द्वार, और यही है यहाँ से यात्रा शुरू होती, प्रारंभ होती। हम लोग चल रहे हैं ताराकोट की ओर, वहाँ पे अपनी RFID बनवाएंगे जो हमने ऑनलाइन बुकिंग की थी पर्ची से, और RFID बना के फिर हम आगे यात्रा के लिए चलेंगे। RFID से क्या होता है, आप कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है, कोई भी दिक्कत हो, कोई आपदा हो, कोई परेशानी हो, तो सेंसर के माध्यम से आप ट्रैक किया जा सकते हैं कि आप इस समय कहाँ पे हो। तो फ्रेंड्स तमाम संघर्ष करते हुए हम आ गए हैं हेलीपैड टर्मिनल कटरा पे, और अपने हेलीपैड में बैठने जा रहे हैं। ये पहला एक्सपीरियंस है हमारा, पहली हेलीकॉप्टर यात्रा जिंदगी की हमारी। आओ भाई इसका मजा लेते हैं, अब तक तो उसको उड़ते उसकी धूली पाते देखते हैं, चलो आज मजा लेते हैं हेलीकॉप्टर यात्रा का। आओ आपको भी कराते हैं यात्रा, बने रहो साथ में। छोटू कहना बहुत मजा आने वाला, आप भी मित्रों बहुत मजा आने वाला, आओ करते हैं हेलीकॉप्टर यात्रा। जय माता की। सुबह ही आ गए हम करंट हेली टिकट काउंटर, और अपना टिकट कैंसिल करा दिया क्योंकि सुबह का टिकट मिल नहीं पाया था, वेदर खराब होने की वजह से मौसम, और कराते हैं अपना टिकट फिर से और फिर यात्रा शुरू करते हैं। तो भाई जय माता की, मौसम खराब होने की वजह से हेलीपैड कॉप्टर सर्विस शुरू ही नहीं हुई, तो हेलीपैड का टिकट मिला ही नहीं,
लौट के बुद्धू घर को आए और चल दिए भाई पैदल घोड़ा वाला ढूंढ रहे। ये देखो तो घोड़ा खच्चर लाइन से लगे हैं, हम लोग जा रहे हैं बाड़ा गंगा से होते हुए आगे और लेते हैं घोड़ा और चलते हैं टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। तो भाई मौसम देखो कैसा है, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहा इस वजह से मौसम की वजह से। हमने ले लिया घोड़ा और ये बैठे घोड़े पे, दिख रहा है पीरा पानी। हमने भी हेलीकॉप्टर से कहा भाई जी हम बैठ गए घोड़े पे, हेलीकॉप्टर मेरे समझ लो भाई जी, बस भाई चलते जय माता दी। हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा तो क्या माता के दरबार नहीं जाएंगे? जाएंगे, घोड़े पे बैठ के आएंगे, अपना घोड़ा पीरा पानी अपना चेतक और चलते हैं जल्दी कराते हैं माता रानी के दर्शन। भाई आपका घोड़ा पानी वानी पी के बिल्कुल रेडी, इधर अपना प्रांजल अपना घोड़ा पीरा पानी। भाई यहाँ इनको पानी पिलाया जाता टाइम टाइम पे क्योंकि बड़ी ऊंचाई रहती है। भाई ये देखो घोड़े ऐसे पानी पीते हैं यहाँ पे और फिर ये चढ़ाई चढ़ते चले जाएंगे ऊपर 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 बहुत ऊपर। ये बात जय माता की, दिखाते हैं माता रानी के एडवेंचर सारे रास्ते हो कैसे कैसे जाते क्या क्या करते क्या बाधाएं आती कैसे उनको पार करते हैं माता के भक्त, सब दिखाते हैं। बने रहो साथ में और देखते रहो पूरा ब्लॉग, देखना बहुत मजा आने वाला है। जय माता की। चल दिया भाई अपना घोड़ा, रखते फोन ने गिराने दे, बाय बने रहो। वो सारा सामान ऊपर कितनी कठिनाइयों से जाता है और इसीलिए सामान थोड़ा महंगा होता है ऊपर, कितनी कठिनाई से लोग इसको पी पी के पानी और धीरे धीरे चढ़ा चढ़ा के ले जाते हैं पैदल। क्या ही जिंदगी कितनी टफ है, हालांकि रोज का इनका काम हो गया तो थोड़ा इनके लिए इजी, हमारे लिए तो जानलेवा हो जाएगा। चलो भाई चलते माता रानी के दरबार, बोलो जय माता की। देखो भाई सारा कुछ सीन चल रहा है, यात्री आ जा रहे हैं यात्रा के लिए, कोशिश करें कि सुबह जल्दी आ जाए, भीड़ कम मिलेगी। मैं इस पर एक पूरा डिटेल ब्लॉग बनाऊंगा कि वैष्णो देवी अगर आप आ रहे हैं माता जी के दर्शन करने तो कैसे आएं, क्या क्या करें ताकि आप परेशान न हो, आप ठगे न जाएं, आप आसानी से सहजता से माता जी के दर्शन कर सकें। और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, पूरे रास्ते में लगातार दुकानें हैं, लगातार खाने पीने के सामान प्रसाद का सामान सब आपको मिलेगा, लेकिन जितना ऊपर जाएंगे उतना थोड़ा महंगा होता जाएगा सामान, ये याद रखें आप। तो या तो सुबह नीचे से आप ला सको तो लाद लो, अदरवाइज ऊपर थोड़ा सा ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। और ऑब्वियसली है मैंने आपको दिखाया कितनी मेहनत से लोग उसको ऊपर ले जाते हैं नीचे से, तो ऊपर ले जाते हैं तो जाहिर सी बात है उसका पेमेंट आपको देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मेहनताना देना पड़ेगा, दैट्स इट। तो बने रहो आगे भी दिखाते हैं आपको माता रानी के दरबार में क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे कैसे लोग दर्शन के लिए आस्था भाव से आ रहे हैं जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आ जा रहे हैं, बुजुर्ग बुजुर्ग लोग आ जा रहे हैं, सभी लोग अपनी आस्था को अपने मन में लेके जय माता दी का भाव मन में और अपने जिह्वा पे लेकर जीभ पे लेकर कैसे माता रानी के दर पे बढ़े जा रहे हैं। जय माता की, देखते रहो पूरा ब्लॉग। भाई प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका का, जय माता की। इधर फेवरेट यहाँ की प्रसिद्ध रसालिका स्वीट्स की शॉप देखिए, इधर देखो मसाज पार्लर की शॉप है भाई, जो थक हार के लोग आते हैं मसाज कराते हैं यहाँ पे बैठ के अपने पैरों की अपनी बॉडी की, जैसे वो देखो, और फिर लोग आगे जाते हैं पैदल वाले। बच्चों को ले जाने की देखिए ये व्यवस्था है, ये देखिए ऐसे इसमें बच्चे को ले लेते हैं झूले टाइप की गाड़ी में और उसमें लेके आपके बच्चे को जाते हैं प्रॉपर और लेके आते हैं सुलाते हुए जगते हुए जैसे भी जाना चाहे, और उसका भी चार्ज करते हैं। तो आपके पास छोटे बच्चे हैं अगर वो चलने में अक्षम है किसी कारण से उतना नहीं चल सकते किसी भी कारण से, तो आप उनको ये सुविधा दे सकती हो। तो सीले बच्चे हैं वो तो अपना कूदते फांदते चले जा रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा सा नाजुक बच्चे हैं या किसी कारण से उन्हें कोई दिक्कत है तो परेशान है। इधर देखो लोग मसाज लेते हुए मसाज पार्लर में मसाज ले लेके खुद की बॉडी को फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं आगे चलने के लिए। बढ़िया बेहतरीन गन्ने का जूस पियो भाई, मजा लो जिंदगी का पूरा। और प्रसाद की दुकानें कोई कमी नहीं, इधर देखो फिर बड़ी सी प्रसाद की दुकान मसाज पार्लर चल रहा है सामूहिक मसाज भाई, ये देखो जी मसाज लो। चलते रहो भाई, ये घोड़ा हमको बहुत हिलाता जी, लेकिन हम भी घोड़े को बहुत मजबूती से पकड़ता जी, अयो राम बा चलते रहो, चल मेरे धन्नो। ये देखो जी पालकी व्यवस्था है, जैसे आंटी जी बैठी पालकी में बैठा के लोगों को ले जाते हैं,
दो आदमी पैदल, वो उनके लिए जिनके कमर में दिक्कत है या उनके कूल्हों में कुछ दिक्कत है और वो घोड़े पे नहीं बैठ सकते क्योंकि घोड़े आपके कूल्हे और कमर में काफ़ी जो है दिक्कत पैदा करते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लगातार उनकी पीठ हिलती रहती है, इसलिए जो लोग अनफिट है थोड़ा अपने बॉडी के इन पार्ट से तो वो पालकी में बैठ के जा सकते हैं। जूस वगैरह की दुकानें अवेलेबल हैं, जूस पियो भाई, खुद को फिर से एनर्जी से फुल करो और फिर आगे बढ़ो। ड्राई फ्रूट्स की दुकान, डंडियाँ मिल रही हैं यात्रा पर चलने के लिए, डंडे मिल रहे हैं आराम से क्योंकि ढलान भरा यात्रा होता है, चढ़ान भरा यात्रा होता है, ऐसे में डंडा आपकी बहुत हेल्प करता है आपके बॉडी सपोर्ट के लिए, आपको गिरने से बचाने के लिए, बॉडी में कम मेहनत के लिए। देखो ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स इधर भरा हुआ है, ये देखो भाई ये है असली आस्था, बंदा पूरा लेट लेट के जाएगा भाई भाई, ये है आस्था और शारीरिक क्षमता हो कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। फिर से जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। सामने देखो भाई कोल्ड ड्रिंक शॉप है, कोल्ड ड्रिंक पियो, पानी पियो, स्नैक्स लो, रिफ्रेश हो, खुद को रिचार्ज करो, अपनी बैटरी चार्ज करो, बूस्ट करो खुद को और फिर आगे बढ़ो। कभी भी बहुत भूखे प्यासे मत बढ़ो, कभी हो सके गिर जाओगे आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए फिजिकली फिट होते हुए चलो। इधर हमारी चाची रानी लक्ष्मी बाई की तरह आती हुई, ये हमारा घोड़ा आता जी, छिन 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 चलता, हम इसको देखो मजबूती से पकड़ता, ये चाहे जितना भागता हम इसको नहीं छोड़ता जी। इधर देखो बाबा अमरनाथ की, माँ वैष्णो देवी की सारी प्रतिकृति बना रखी है, यहाँ फोटोज खिंचा सकते हो, कुछ 10-20 रुपए चार्ज करते होंगे क्योंकि अंदर पिंडी के साथ तो आप फोटो खिंचा नहीं पाओगे, तो यहाँ से आप फोटो खिंचा के बढ़िया से अपनी तस्वीर एक यादगार ले सकते हो। ये सारा कुछ फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है, ऑन द चार्ज, चार्ज पे है, ऑन चार्ज बेसिस है। और इधर सामने हमारे घोड़े से देखो अपने सब भाई लोग दर्शन करके वापस आ रहे हैं, अपन लोग जा रहे हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर ने हमको बहुत उल्लू बनाया लेकिन हमको मजा नहीं आया, फिर हमने कहा वही हम बैठ गए घोड़े पे, हेलीकॉप्टर मेरे पे समझ लो भाई जी। और इधर से घाटी का व्यू देखो भाई, यही फॉग और मिस्ट दिख रही, सूर्य भगवान तो देखो ऊपर निकल आया दर्शन देने लगे लेकिन ये फॉग मिस्ट नहीं छट रही है, इसलिए ऐसी फागी मौसम में हेलीकॉप्टर की सेवा रिस्की मानी जाती है। जनरल विपिन रावत की हम सबने देखा था डेथ ऐसे ही दुखद हालातों में हो गई थी, हेलीकॉप्टर ऐसे नहीं चल जाता है, इसलिए हम लोग घोड़े से जा रहे हैं। लौटते समय भाई ट्राई करेंगे कि हेलीकॉप्टर मिल जाए, हेलीकॉप्टर का मजा जिंदगी में एक बार ले लिया जाए, अभी नहीं बैठे कभी देखा ही भाई, तो प्रयास करते मिल जाए, हम भी हेलीकॉप्टर वाले हो जाएं। अब देखते हैं माता रानी जो लिखा वो होगा। बहरहाल जय माता की, बने रहो देखते रहो पूरा ब्लॉग, घर बैठे आपको दर्शन करा रहे हैं, इतने डिटेल दर्शन कौन कराता होगा जी, दोनों हाथ छोड़ दिए मैंने, देखो इतना रिस्क, देखो धन्नो चिंचिन चिंचिन दौड़ती जी, धन्नो बहुत दौड़ती जी, लेकिन हम कहते धन्नो हवा भाई बिचुअल हो गए, तुम चाहे जितना दौड़ो हाथ छोड़ के तुम पे बैठेंगे। जय माता की, चलो धन्नो। और ये पूंछ देखिए, पूंछ एक्सीलरेटर होता है घोड़ों का, जब चढ़ाई आती है तो अपने सब भाई लोग उसके पूंछ को पकड़ लेते हैं, वो एक्सीलेटर घोड़ा अपने आप ले लेता है और दौड़ने लगता है, देखो उसने अपने अपने एक्सीलेटर को पकड़ रखा है। ये पूंछ एक्सीलरेटर। जय माता की, अरे सारे बोलो आगे बोलो पीछे बोलो, अरे चलते जाओ तुम ना रुको, जय जय माता की। अगला काउंटर अर्ध कुमारी 3 किलोमीटर, तो अर्ध कुमारी तक के लिए हमने चेतक भवन से बुक किया था, चेतक भवन मतलब शुरुआती यात्रा भवन जहां से आपको घोड़े मिलते हैं, अर्ध कुमारी आधी पूरी कर ली हमने, 3 किलोमीटर हम आ गए, 3 किलोमीटर बची हैं। अर्ध कुमारी से ई रिक्शा की, बैटरी रिक्शा की, हेलीकॉप्टर आदि की सुविधाएं भी आगे से मिलने लगती हैं, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अभी चलते हैं और देखते हैं आगे क्या सीन बनता है भाई। अर्ध कुमारी पहुंचते फिर देखते हैं ई रिक्शा मिलता है क्या मिलता है या घोड़े से आगे जाना पड़ता है, चलो देखते हैं। होप फॉर दी बेस्ट, जय माता की, अपना घोड़ा करेगा रेस्ट, होप फॉर दी बेस्ट। बोलो ये ले, बोलो अब बोलो, ब्लॉग में कमाया तो कब जाएगी, बोलो बोलो जय माता की, जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, जय माता की, लखनऊ अपना योगी बाबा। जय जय माता दी, लाओ
नहीं है बटे वाले नोट नहीं देता हम नहीं घोड़ा जो चेन कितना 200 का चलाओ वो आप ही बोलो चलो जय माता की माता के दरबार में जय माता की जय माता की जय माता की दरबार की भाई ज्योत माता जी का अरे बैठ बेबी कूदना नहीं है इधर चलो अयो हमारी नन्नो किधर जाती तुम अंदर रास्ते रास्ते चलती है कितनी समझदार होती नन्नो जी देखो ये घोड़े कितने समझदार है कोई नहीं अपने आप अपने रास्ते पर जाते नहीं पता किस रास्ते पे चलना हो पैदल पर अपने रास्ते पे आ गए हम कहे नन्नो नीचे कूदने जी माता जी से हमको ऊपर चल के मिलना है इधर से नीचे से ऊपर नहीं जाना है अभी इंडायरेक्ट वाला मुलाकात करनी है तो नन्नो चल रही भाई धीरे धीरे जय माता की। और देखो भाई जुआड़ी स्पेशल यात्रा की पवित्रता बनाए रखते हैं तो मार्ग में ताश ना खेलें नहीं तो तुमको हम ताश कर देंगे फेट फेट के समझे जी। हाँ माता जी के दर्शन करने आए यहाँ ताश खेलने सिगरेट पीने और दारू पीने नहीं आए हो पवित्रता का ध्यान बनाए रखें। अर्ध कुमारी आ गया ये रहे हमारे मुश्ताक जिन्होंने हमको बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचाया है वो घोड़ा इनकी वजह से नहीं हो पाया गुस्ताक काफी भग रहा था तो अर्ध कुमारी आ गया है मुश्ताक को ये अर्ध कुमारी उतरते हैं और देखते हैं आगे की यात्रा क्या है भाई बने रहो आगे दिखाते हैं अर्ध कुमारी के आगे की यात्रा जय जय माता की। तो भाई यहाँ पे पीते हैं पानी और आगे चलते मेरे जनानी अर्ध कुमारी के ऊपर पहुंचते थोड़ा सा चढ़ के देखते हैं वहाँ क्या व्यवस्था है रिक्शा मिल रहा है मैकेनिक वाला नहीं मिल रहा तो घोड़े चलेंगे पैदल चलेंगे माता के कहानी दरबार में जरूर जाएंगे जोर से बोलो जय माता की। आओ भाई तो भाई पैदल यात्रा शुरू अर्ध कुमारी की बोलो जय माता की और चढ़ते जाओ जिसने जितना दर्द सहा उसने उतना फल पाया है चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। तो भाई सामने शायद आ गया हर कुमारी भवन आधा रास्ता आ गया ऐसा लगता है चलो पीते हम सब आगे चलते हैं आज कुछ तूफानी करते हैं कजटू यस आओ फिर हो जाए हम सब खत्म कर ली जाए पहले मौसम चंगा हो रहा आप सब भी डिजिटली पियो तुम सब लो भाई आओ चलो ये ऊपर से चढ़ने के बाद कुछ नीचे का नजारा इस तरीके दिखता है आप लोग देख लीजिए धुंध है पर अपने इरादे नहीं मंद है। तो भाई आ गए हम सब देखो अर्ध कुमारी में अर्ध कुमारी पूर्ण रूप से भरी हुई है और इधर जो रास्ता जा रहा है मेरे पीछे आपको दिख रहा है इधर से मिल सकते हैं ई रिक्शा हम लोगों को रहा ऊपर जा रहा है इस पे मिल सकते हैं घोड़े इससे पे चलते ई रिक्शा देखते हैं घोड़े का तो सफर हम कर ही चुके हैं और नहीं मिलता है अगर ई रिक्शा तो फिर आते हैं लौट के बुद्धू घर को लौट के बुद्धू घोड़े पे आए ऐसे ही करते हैं। चलो भाई जय माता की देखो अर्ध कुमारी का पूर्ण दृश्य ये है अर्ध कुमारी का पूर्ण दृश्य देखो 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 एंड मॉर्निंग एट अर्ध कुमारी बोलो जय माता की। भक्तों से खचाखच भरा हुआ अर्ध कुमारी और भवन का रास्ता टनल के द्वारा ये देखो इधर से गुफा की पर्ची कटती है ये रास्ता समतल रास्ता है तो इससे चलते हैं जी ने 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 ने। इधर भाई समतल रास्ते पे थकार के सोते हुए भक्तजन और यही रास्ता समतल जा रहा है जहाँ से हमको रिक्शा मिल सकते हैं और चलो देखते हैं रिक्शा का क्या सीन है भाई जय माता की। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा लग तो अच्छा लग रहा है हमारा गर्म माइंड भी ठंडा हो रहा है पसीना भी कम हो रहा है करीब 1 किलोमीटर चढ़ाई हम चढ़ाएं 1.5 किलोमीटर और हौसला नहीं छोड़ेंगे जी चढ़ के रहेंगे रिक्शा मिले या ना मिले पैदल जाएंगे झुकेगा नहीं साला माता जी के दर्शन करके मानेगा हे पर्वतराज बढ़ा लो अपनी ऊंचाई जितनी बढ़ा पाओ
देखते मेरा हौसला ज़्यादा ऊंचा है कि तुम्हारी ऊंचाई ज़्यादा ऊंची है। जय माता की, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो भाई मौसम देखो क्या हो गया, और हमने बुक किया था बड़े उससे हेलीकॉप्टर भाई जी, हेलीकॉप्टर क्या मिलेगा, मौसम ऐसा हेलीकॉप्टर सारे रद्द हो गए, फ्लाइट रिफंड हो गया। और कहा जाता है माता रानी दरबार में तभी जाओगे जब माता रानी बुलाएंगी, और वैसे ही जाओगे जैसे माता रानी बुलाएंगी। तो माता रानी ने बुलाया था पैदल, हम थे अपने भाई निकले पे, हमने कहा माता रानी आ रहे हैं, हम ले लो परीक्षा जितनी लेनी, आ गए भाई जी पैदल यहाँ तक। अभी जा रहा हूँ, अभी बचा 1.5 किलोमीटर यात्रा पूरी करूंगा, एक बोतल पानी का वो भी नहीं पिया, एक घूट अभी चेहरा देख रहे पूरा काला हो गया, पसीने अंदर तक पसीना बह रहा है बिल्कुल। आओ भाई जी, जय माता दी, चलता हूँ तिवारी। जय माता दी। ओके निहारिका, से बोलो जय माता की। दर्शन करने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। जय माता की। दर्शन तो करके रहेंगे जी, कर लो बाधा जितनी आ पाओ, चाहे लाख चुपाए चाहे जान भी अब जाए, आके न जाएंगे खाली हाथ, माँ माँ या बैठो माँ। भाई भवन बचा 3 किलोमीटर। हाँ भाई आ गए पैदल पैदल, माता रानी की कृपा है, भवन मात्र 1 किलोमीटर, भाई के बैग के नीचे छुपा है, ये देखो भवन 1 किलोमीटर बचा है, चलते हैं। जय माता की। वक्त आने पर बता दिया तुझे आसमां, हम तभी से क्या बताते क्या हमारे दिल में था। जय माता की। आओ भाई लेते हैं मजा नेस्कैफे के कोल्ड कॉफी का, और फिर चलते मस्त से मौसम में। माता रानी चढ़ाई करीब करीब 1 किलोमीटर के आसपास चढ़ाई बची है, चलते हैं देखते हैं कितना हौसला आजमाते हो, आजमान हो आज पहुँचते। जय माता की। भाई 0.5 किलोमीटर बचा है भवन, आ गया है कालका भवन, और ये खड़ी वैना जी जिनको बड़ा गुरूर था अपने ऊपर, इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को हम इन्हें लेने जाएंगे तो जा नहीं पाएंगे, बता दिया इन्हें जी अभी हमारे हौसले के आगे तुम बहुत पौनी हो, और खाओ पियो और बैटरी चार्ज करो अपना विहार। जय माता की। ये सामने देखो पुलिस चेक पोस्ट है, आर्मी चेक पोस्ट है, अंतिम चेक पोस्ट है यहाँ का। एक चेक पोस्ट से गुजरते हुए चलते हैं, बस 0.5 किलोमीटर दूरी में बचा भवन, जोर से बोलो जय माता की। सामने देखो है आ गया ये कालका भवन, ए माता झुकने वाला भी नहीं अपन, आता है माता, आता है माता। और सामने देखो भाई रोपवे है भैरव बाबा का, ये देखो ऊपर ऊपर जा रहा है, भैरव बाबा के दर्शन के लिए यहीं से प्रणाम करते हैं, जय भैरव बाबा, चलता हूँ माता जी के पास, आता हूँ जी, जय माता की। वो देखो जा रहा भाई रोपवे, देखा दिस इज द रोपवे ऑफ भैरव बाबा। और ये देखो सामने गौरी भवन, आ गए भाई कटरा के श्री राम मंदिर, बोलो जय श्री राम। ये है निकट गेट नंबर 5 सीआरपीएफ रिसेप्शन, तो जय श्री राम, चलते हैं आगे और दर्शन करते हैं पिंडी रूप माँ वैष्णो देवी के। जय माता की। बने रहो आप सब, सारा हौसला उस माँ का है, उस परम शक्ति का है, या देवी सर्वभूते सु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सो भाई 1 नंबर दर्शन हो गए माता जी के, बहुत इत्मीनान से जितना परीक्षा ली माता जी ने उतने ही सुंदर दर्शन दिए भाई, बहुत आनंद आया माता जी के, भगवान शिव के दर्शन करके
गौरा पार्वती दोनों से मिलिए, शिव और शक्ति दोनों से मिलन हुआ, दोनों के दर्शन हुए और क्या चाहिए, अपने हौसले के दम पे जीत लिया, देख लिया पहाड़ों में कितना दम था, कितना हमें झुका सकते थे, हमने पहाड़ों कितना झुका लिया, हमने बताया जितनी है राणा सांगा के मन से झुकेगा नहीं साला, जीत लिए पहाड़ भाई जी, हो गए दर्शन, जय माता की, प्रसाद भी ले लिया, प्रसाद भी ले लिया, देखो उधर दिखाओ सेवरियन साहब से प्रसाद ले लिया भैया आप सबके लिए, और आते हैं जल्दी उतरते हैं नीचे, जो भी घोड़ा गधा खच्चर मिलेगा उससे बैठेंगे, नहीं तो फिर पैदल चलेंगे, हौसले में कोई कमी नहीं भाई जी, बता दिया पहाड़ों को हौसला बुलंद हो तो सब कुछ। तो भाई इसी के साथ ख़त्म करते हैं माँ वैष्णो देवी का ये ब्लॉग, बहुत संघर्ष किया इस ब्लॉग को बनाने के लिए, तो भाई अब तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वीडियो को लाइक करना शेयर करना, और इस पर कई हम ट्यूटोरियल भी बनाएंगे कि आगे आने वाले लोगों को हमारी तरह कष्ट ना हो, कोई असुविधा ना हो, जो खासकर फर्स्ट टाइमर से या कई दिनों बाद आ रहे हैं, इस पर हम कई ट्यूटोरियल बनाएंगे ताकि जितने भी लोग आने वाले हैं माँ वैष्णो देवी उन सबको कोई दिक्कत ना हो, और इस तरह से हम डिजिटल पुण्य कमाएंगे। आप सभी को राम राम, जय माता की, सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना, फिर से सबको जय माता दी, सब लोग खुशी रहो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यवेत्, जय माता की, जय माता। जिसने जितना दर्द सहा है उतना ही फल पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, और माँ ने बुलाया बेटा दौड़े दौड़े चलाए जाए जिस हाल में हो, माँ की परीक्षा में खड़ा उतरा पुत्र हो, इस तरह खुशी की बात क्या होगी, जय माता की, सब माओं की जय हो, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय माता की।